शिवपुरी जिले के कोलारस थाना इलाके में ग्राम हीरापुर के नजदीक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 14 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि सभी मजदूर एक पिकअप वाहन में सवार थे, जो अनियंत्रित होकर सिद्ध नदी में गिर गया। ये मजदूर यहाँ पुल के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल के किशनगंज से बुलाए गए थे, और जब ये लोग निर्माण साइट पर काम करने जा रहे थे, तब ये दुखद हादसा हुआ। ये तो जगह का मालूम नहीं है सर, लेकिन यहाँ से मतलब हम लोग जो आए थे ना, जो किशनगंज से ट्रेन से आए हैं, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। वहाँ से आ रहे थे आप? जी। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे इधर पुल पे काम करने के लिए, ब्रिज पे, ओवर ब्रिज जो सड़क के ऊपर होता है ना, ओवर ब्रिज, वो काम करने के लिए। कितने लोग सवार थे? 19। जी। तो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? बस मान लीजिए कि अचानक ही हुआ है, मतलब जा रहे थे, जाते जाते वो मतलब खड्डा गिर गया, और अचानक कुछ जैसे कि लाल गाय या गाय कोई भी आ गया हो, तो अचानक मतलब उसको बचाने के लिए खड्डे में कटाया, थोड़ा स्ट्रिंग किया इधर, और गिर गया खड्डे में और पलट गया। कितने लोग इसमें घायल हैं? जी, घायल तो सभी को मान लेना चाहिए, क्योंकि सब घायल हो गया है, कोई ज़्यादा हुआ है तो कोई कम हुआ है। मतलब जा रहे थे कोई सड़क निर्माण कार्य के लिए, तो इनकी पिकअप वाहन जो पलट गई थी, उसमें काफ़ी सवारी बैठे थे ये लोग, उनमें से जो है सर, कैरी ऑन सर, कितने लोगों की मौत है सर? पहले तो क्या है, 3 लोग आए थे डेड होके, 3 लोग आए थे, उसके बाद में यहाँ एक इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई चौथे की। और इसके अलावा घायल कितने हैं? घायल जो हैं 15 के करीब हैं। और कोई ग्वालियर भी रेफर किए? ग्वालियर 2 रिपर हुए हैं ग्वालियर के लिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है सब उधर पश्चिम बंगाल तरफ के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपने शिवपुरी से ही जा रहे थे, ये गोराटीला कोई निर्माण पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, उधर जा रहे थे। तो ये क्या मजदूर थे ये सब? हाँ, मजदूरी थे ये सब। इसमें महिलाएं वगैरह के? महिला वगैरह कोई नहीं थे। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।